नस्ल कौन सी शायद सबसे पहले ये बता दें मुझे। ये सिंध की है, क्रॉस है ये। ठीक है ठीक है, बॉर्डर की है। और दूध कितना देती है वक्त? ये गबन है। अच्छा ये गबन है। कितना पेट है शायद भाई? ये दूसरा पेट है। दूसरा पेट है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं शाहिद भाई? इसकी 4 लाख। अच्छा इसकी 4 लाख रुपए। इसकी 4 वजह क्या है और उसकी साढ़े? अलग अलग हर चीज का एक अलग रेट है वो। हाँ। वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। अच्छा, अच्छा। कौन से खुराक देने से दूध? बाड़े वाले अपने अपने हिसाब से बंडा देते हैं वो। सही। तो आप दूध भी बेचते हैं सिर्फ भैंसे बेचते हैं? नहीं, हमारे पास माल, हमारी कोशिश होती माल बेचना दूध के मारे। बेहतरीन। आप थन भी चेक कर लें भाई, जबरदस्त। ठीक है, लोग इसको थन की वजह से लेंगे शायद भाई। ये वक्त है कितना दे रही है ये? तकरीबन यही सेम है, किसी का 4.5 किलो है, किसी का 5 किलो। कि नीली रावी एक वक्त में कितना दूध देती है? वो नसीब, दूध नसीब का होता है। अच्छा, दूध नसीब का होता है, कोई फिक्स नहीं होता है? नहीं नहीं, कोई ऐसे झूठ होते हैं, बारिश होता है ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। जितना आप राशन दोगे, जिस हिसाब से दोगे, ठीक उसी हिसाब से। ठीक ठीक है, तो आप लोग आई होप बात समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम भाई। शाह टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको दोबारा से वेलकम करता हूँ भाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेवल मंडी में, और नेवल मंडी के अंदर आज आने का मकसद ये ताज़ा भैंसे और ताज़ा गाय को ढूंढना आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो दूध का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, भैंसों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई शाहिद भाई के सेटअप के ऊपर, शाहिद भाई के बाड़े के ऊपर। इस जगह की वीडियो आपने पहले भी देखी होगी मेरे सीजनल एपिसोड के अंदर, जिसमें मैंने अयाज भाई के बछड़े दिखाए थे आपको, शाहिद भाई के बछड़े दिखाए थे। तो अयाज भाई तो चले गए, लेकिन ये कि शाहिद भाई का तो 12 महीने का काम है, जिसके अंदर भाई इस टाइप की देख लें गब्बन भैंसे मौजूद हैं, ताज़ा भैंसे मौजूद हैं, जो कि वक्त का भाई 5 से 6 किलो दूध आराम से देती हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम यही चेक करेंगे कि कौन सी भैंसें आप लोगों के लिए मुफीद है लेना, कौन सी भैंसों की क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो और गाय भी यहाँ मौजूद हैं, और चलता हूँ भाई एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो फिर, अच्छा भाई वीडियो शुरू करने से पहले शाहिद भाई तो आ रहे हैं अभी, शाहिद भाई से तो मुलाकात होगी। ये देखें यहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं, गाय भैंसों के बच्चे, जो कि भाई 2 से 3 दिन के बच्चे मौजूद हैं। एक चीज़ मैं आपको बस ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये भैंसे जो हैं आला क्वालिटी की भैंसें शाहिद भाई के पास मौजूद हैं। अभी इन तकरीबन भैंसों ने बच्चा दिया है, और बच्चा देने के बाद हाल फिलहाल, मतलब कोई 2 दिन का बच्चा है, कोई 1 दिन का बच्चा है, और ये आप चेक करें माशाल्लाह से, ये एक बकरा भी आ गया मेरे पास, इसको भी आपको दिखाता हूँ। तो जो भैंसें भाई 2 से 3 दिन के बाद जो दूध देती हैं, वो वक्त का, इस वक्त तो 5 किलो दूध दे रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये भैंसें जो है अपना दूध बढ़ाती हैं। कोई 7 किलो पे चली जाती हैं, कोई 8 किलो पे चली जाती हैं, कोई 10 किलो पे भी चली जाती हैं। और दूध तो नसीब का है, जितना अच्छा आप जानवरों को वंडा देंगे, खुराक देंगे, खाना देंगे, तो मतलब यही बात है कि जानवरों से मोहब्बत करें, प्यार करें, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको जो जानवर होते हैं वो पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। तो भाई आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव बात आपको समझ आ गई होगी। ये भैंसों के बच्चे भी आप चेक करें, और इस खूबसूरती को आप चेक करें, माशाल्लाह यार माशाल्लाह, क्या बात है भाई, देखें। अच्छा भाई हम पहुंच गए आज शाहिद भाई के पास। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, इधर रोशनी में आ जाएं शाहिद भाई, शायद पहचान में नहीं आ रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम शाहिद भाई थोड़े से बूढ़े लग रहे थे, लेकिन अब सीज़न के बाद शाहिद भाई जवान हो गए। कैसे हैं शाहिद भाई, खैरियत से हैं? नहीं नहीं, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। अच्छा शाहिद भाई ने चाय आते साथ दे दिया। और शाहिद भाई अभी क्या क्या सिलसिला है बाड़े का, क्या बेच रहे हैं आप? अभी भैंसे हैं और गाय ताज़ी बेच रहे हैं। अच्छा भैंसे मतलब दूध वाली? हाँ, एक्सपायर नहीं, दूध वाली है, VIP भैंस क्वालिटी की, दूध वाली। और कितनी कितने कितने नस्ल की भैंस होती है शाहिद भाई? हमारे पास कच्चे की होती है, दरिया की भैंसे होती है। जमालदीन वाली साइड की, मतलब सिंध वाली? हाँ नहीं, सिंध नहीं, पंजाब सिंध बॉर्डर है ये। अच्छा अच्छा, पंजाब सिंध बॉर्डर हो, ठीक है ठीक है। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भैंसों के पास जाने से पहले कि भैंसें होती कितने किस्म की? ये कि इलाके की भैंसें होती हैं, सिंध क्रॉस होती है, पंजाब क्रॉस। और जो
जो नीली रावी, नीली रावी की बहुत तारीफ सुनी है। नहीं नहीं, इधर नहीं आती नीली रावी, ऐसे खाली बातें। वो होती क्या है, मतलब नीली रावी क्या है, इतनी खास क्या है? कमाली साइड की होती है, दरिया की वो भी है, मगर वो यहाँ कराची में नहीं आती। अच्छा अच्छा, पंजाब साइड पे। और सबसे अच्छी भैंस वही है नस्ल में? हाँ वही। आए जरा शाहिद भाई के पास, भैंसे देखते हैं भाई, और भैंसों की इन्फॉर्मेशन भी शाहिद भाई हमें देंगे। देख लें भाई, अभी ये बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल छोटे पैदा हुए बच्चे। और ये आप चेक करें भाई, सबसे पहली भैंस यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरी रखी हुई है भाई। शाहिद भाई जिस तरह का बाड़ा है वैसी भैंस भी रखे हुए। शाहिद भाई कौन सी नस्ल है ये भैंस? नस्ल कौन सी शाहिद भाई, सबसे पहले ये बताते हैं मुझे। ये इतने सिंध के है, क्रॉस है ये। ठीक है ठीक है, बॉर्डर की है। और दूध कितना देती है वक्त? ये गबन है। अच्छा, ये कब बैक साइड से बनाओ? बैक साइड से बना। सही 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 सही, ये चेक करें भाई। शाहिद भाई ने कहा बैक साइड से बना, क्योंकि मैं भैंस की वीडियो पहली दफ़ा बना रहा हूँ। और चड्डे की वजन में आप चेक करें, और ये भी गब्बन है। कितना पेट है शाहिद भाई? ये दूसरा पेट है। दूसरा पेट है ये। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितने महीने की गब्बन है ये? अभी तैयार रहते हैं, हफ्ता एक लेगी, हफ्ते एक में दे देगी बच्चा। सही सही ठीक है। और वैसे शाहिद भाई गब्बन जब होती है दूध नहीं देती है ये? नहीं नहीं, गब्बन थोड़ी दूध देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब बच्चा दे देगी तब इनका दूध आएगा फिर। सही है। तो वक्त का कितना ये अंदाजा आपका इसके? इंशाल्लाह देगी, 7-8 किलो दूध देगी। और इस कंडीशन में क्या है इसकी डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं भाई। देख लें इसकी 4.5 लाख रुपए डिमांड। और फाइनल क्या है शाहिद भाई? फाइनल 4 लाख रुपए की। 4 लाख, जब आओगे तो भाई इंशाल्लाह और भी बात बन जाएगी। अच्छा भाई, दूसरे तीसरा पेट है ये? ये तीसरा पेट है। ये भी गब्बन है? ये भी गब्बन है। ये भी देख लें भाई, गब्बन है। और इसको बैक से मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पहचान इसको लोग बैक से रह सकते हैं। और ये 10-12 दिन लेती है ये भी बच्चा देने में? 10-12 दिन लेगी ये। सही सही, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं शाहिद भाई? इसकी 4 लाख रुपए। अच्छा, इसकी 4 लाख रुपए। इसकी चार वजह क्या है? और उसकी साढ़े अलग अलग, हर चीज़ का एक अलग रेट है। वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके 3.5 फाइनल है शाहिद भाई? इसका 3.60 फाइनल होगा। 3.60 फाइनल होगा भाई। देख लें, ये देख लें भाई, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तीसरा पेट है ये, तो अब अंदाज़ा आप खुद ही कर लें माशाल्लाह से साफ़ सुथरी। क्योंकि नेवल में बहुत सारे लोगों का जहन होता है कि भैंसें नहीं मिलती हैं, ताज़ा भैंसें जो दूध देने वाली, वो तो यहाँ मिलती हैं। और शाहिद भाई इसके सबसे बड़े व्यापारी यहाँ मौजूद हैं। शाहिद भाई ये बताएं इसके बारे में, कौन सी है ये? भी दूसरा पेट है। दूसरा पेट है। ये भी गब्बन है? हाँ, ये पंजाब में है। ये भी पंजाब में है भाई, माशाल्लाह। नहीं, ये बच्चा दिया है इसने। अच्छा, बच्चा दे दिया इसने वहाँ पर? 4 दिन का बच्चा। सही सही सही, 4 दिन हो गए। सही। और ये कितना टाइम का दूध दे देती है? ये इस टाइम इसमें 5 किलो दूध है टाइम का, मतलब एक वक्त का 5 किलो है अभी। हम तो दे रहे हैं, खाली कुतर दे रहे हैं। सही सही, वंडा नहीं दे रहे, वंडे पे आएंगे तो फिर देंगे ना जाके। सही सही, मतलब कौन से खुराक देने से दूध? बाड़े वाले अपने अपने हिसाब से वंडा देते हैं वो। सही। तो आप दूध भी बेचते हैं या सिर्फ भैंसे बेचते हैं? नहीं, हमारे पास माल, हमारी कोशिश होती है माल बेचना दूध के मारे को। सही सही, इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं शाहिद भाई? इसका 3.70 है। 3.70 है भाई, देख लें, बच्चा दे चुकी है 3.70 डिमांड। 5 किलो दूध निकाला हुआ है अभी। सही, थोड़ी देर पहले दूध निकाला है इसका। अच्छा अच्छा, आपने दूध निकाला अभी इसका। ठीक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। आ जाए भाई एक और, एक ये मेरे ख्याल है गब्बन है शाहिद भाई? नहीं नहीं, ये इसने बच्चा दिया, ये सारे इसने दे दिया है। और ये वजन में तो भारी लग रही माशाल्लाह से, बेहतरीन। आप थन भी चेक कर लें भाई, ज़बरदस्त, क्योंकि लोग इसको थन की वजह से लेंगे। शाहिद भाई ये वक्त है कितना दे रही है? ये तकरीबन यही सेम है, किसी का 4.5 किलो है, किसी का 5 किलो है। अच्छा, दो दो तीन तीन दिन के बच्चे हैं। और जो मैंने आपसे पहले आते साथ सवाल किया शाहिद भाई, कि नीली रावी एक वक्त में कितना दूध देती है? वो नसीब, दूध नसीब का होता है। अच्छा, दूध नसीब का होता है, कोई फिक्स नहीं होता है? नहीं नहीं, कोई ऐसे झूठ होते हैं, व्यापारी बोलते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। जितना आप राशन दोगे, जिस हिसाब से दोगे, ठीक उसी हिसाब से। ठीक ठीक है, तो आप लोग आई होप बात समझ आ गई होगी। और शाहिद भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका 3.5 लाख। 3.5 लाख डिमांड है ये। अब फाइनल कितने में देंगे ये? फाइनल 3 लाख रुपए की। फाइनल 3 में बनेगी भैया, देख लें माशाल्लाह से। और एक और एक भैंस आपको दिखा रहा हूँ, चेक करें, ये भी दे चुकी है बच्चा, इसने भी दिया, बच्चे सारे दो दो तीन तीन दिन के। सही सही सही। और ये भी तकरीबन 4-4.5 किलो वक्त का दे रही है आराम से। और इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं शाहिद भाई वैसे? इस ये फाइनल 3 लाख की होगी, 3.5 कर रहे हैं। सही सही, 3.5 इसकी डिमांड है, फाइनल 3 लाख की होगी। और एक देख लें आप, तो हर क्वालिटी की भैंस भाई यहाँ मौजूद है। और ये भी आप चेक करें, इसने भी दे दिया शाहिद भाई? हाँ बच्चे। और इनकी क्या डिमांड है? इसका 3,40,000। 3,40,000 डिमांड है। और फाइनल क्या है शाहिद भाई इनके? 3.10 की। 3.10 की है, देख लें भाई, देख लें आप।
ठीक है भाई, हर भैंस जो यहाँ पर तकरीबन 5 किलो 5.5 किलो दूध का अंदाजा है, और ये भी ताज़ी गाय है? नहीं नहीं, ये भी गबन है, ये भी लेती है 20-25 दिन लेती है। अच्छा अच्छा, 20-25 दिन में ये बच्चा दे देगी। ये चेक करें, ये फ्रीजन है, फ्रीजन शायद ऐसे ही है, फ्रीजन क्रास है, क्रास। और किससे लगी हुई आपको पता है क्या? नहीं नहीं, मैं अच्छा, आप लेकर आए गब्बर? नहीं लेकर आए, खरीद करके लेके आता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा शायद आप ब्रीडिंग का भी सेटअप आपके पास है। नहीं नहीं, इसने अभी बच्चा दिया है। अच्छा, गाय की क्या डिमांड कर रहे हैं शाहिद भाई? इसका 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए डिमांड है भाई। 3-20 की फाइनल, 3-20 की फाइनल है भाई, फ्रीजन के अंदर ही आता है। इसने अभी बच्चा दे दिया है, सही निकाल दिया इसका। ये कितने कब दिया इसने? इसने सुबह बच्चे दिए अभी। अच्छा भाई, 2 घंटे हो गए भाई, आज का ताज़ा बच्चा है, 2 घंटा हुआ है। ये देख लें भाई, बच्चा और माँ दोनों साथ है, और इस अभी जेर लटक रही है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, जेरी भी लटक रही है। और इसकी क्या डिमांड है शाहिद भाई? ये बिकी हुई है, बिक गई है, बच्चे के साथ बिकी है। गब्बन थी तो अभी बच्चा दिया। अच्छा अच्छा, कल जाएगी। सही सही सही। वैसे हर हफ्ते शाहिद भाई माल आता रहता है आपके पास, और सिर्फ ताज़े भैंसों का और गायों का काम है इस बार? और कोई 2024 के जो बछड़े लोग जो ढूंढ रहे पालने वाले, वो आप नहीं लेंगे? वो भी तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद शुरू करेंगे। सही सही, मतलब आते हैं वो भी? हाँ हाँ, महरम था ना, इसलिए नहीं लाया, वो भी होते हैं बीच में। सही, तो थोड़ा सा शायद भाई एक सवाल और लेना चाहूँ, वक्त लेना चाहूँगा आपका, कहीं जाना तो नहीं आपको? नहीं नहीं, कहीं नहीं। शायद भाई ये बताएं, भैंस और ताज़ी गायें, मतलब ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं फार्मर हैं जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, दूध का कारोबार, तो वो आप क्या मशवरा देंगे एज अ फार्मर कि उनको किस टाइप की भैंसें लेनी चाहिए और गाय लेनी चाहिए एक बिगिनर के लिए? हर चीज़ महंगी है, तो इसलिए गाय और भैंस अच्छी डालनी चाहिए। सही, दरमियाना हल्का माल डालोगे तो उसमें वो, क्योंकि हर चीज़ तो महंगी है, चोकर महंगा है, भूसा महंगा है, वंडा महंगा है, तो इसलिए हल्के जानवर में सिस्टम वो नहीं है। हल्के जानवर में तो वो दूध कम देगा, लाजमी बात है, वो दूध अच्छा, कम देगा। अंडरस्टैंडिंग है भाई, खाए पिएगा तो उतना ही, वो भी सही सही, खाए पिएगा वो भी इतना ही, लाजमी बात है। और आप क्वालिटी के ऊपर काम करें तो दूध जितना आप ले सकते हैं, बेशक। और मतलब क्वालिटी को पहचानेंगे किस तरह से शायद भाई, ये सवाल है। वो लेने वाले को वैसे पता होता है कैसे नस्ल के ऊपर, क्रॉस गाय डाले, सही भैंस अच्छी डाले ना, सही नजर आता है ना, देखते हैं। सही सही, मतलब ये जो आपके पास जितनी भैंसें पड़ी हैं सिंध पंजाब की जो क्रॉस है, इसमें भी काम हो सकता है? हाँ, बाड़े के लिए लाए ना ये। सही सही, बिल्कुल ताज़े बाड़े के लिए भाई, देख लें जो लोग सवाल करते हैं तो यहाँ शाहिद भाई के पास आप आए, हर हफ्ते का इनका काम है, लाड इनका आता है, 20-25 जानवर आते हैं शाहिद भाई हर हफ्ते? गाड़ी एक आती है, 12 माल होता है, 10 माल होता है, 10-12 माल होता है। ठीक है ठीक है, शाहिद भाई नंबर बताएं जरा अपना, 03078286762। ठीक है भाई, ये थे शाहिद भाई, और फिलहाल तो इनके पास कितने, अभी कितने खड़े हैं शाहिद भाई जानवर? अभी इस टाइम 7 माल 8 माल खड़ा, 7 भैंसे और एक गाय। ठीक है ठीक है, तो शाहिद भाई से आप कांटेक्ट करें भाई, और अगर कोई लोग आपके, लोग आपसे फरमाइश करते हैं शाहिद भाई, कि आपका तो हर हफ्ते का चक्कर है पंजाब का सिंध का, कि हमें वो नस्ल चाहिए, स्पेसिफिक नस्ल चाहिए डिमांड के ऊपर, तो आप ला कर दे सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। सही है सही है सही है, तो आप आए विजिट करें, बिल्कुल बहुत फेमस बिल्डिंग है, लाल बिल्डिंग नेवल की। और ये आते साथ इसका भी सवाल किया था शाहिद भाई मैंने आपसे, इन कट्टों का ये बेचने के लिए नहीं है फिलहाल? नहीं अभी फिलहाल इनको रोका, बेचेंगे तो सही है, हाँ फिलहाल इनको रोका, थोड़े से वो और बड़े हो जाए। सही सही सही, रोके हुए सही, ये और बड़े हो जाए तो, और इसके बाद ये बिकेंगे भाई, तो हर किस्म का हर कैटेगरी का माल है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया, और अपना भाई मुझे भी इजाज़त दे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी हर किस्म की वीडियो के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।